अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज़रक शाहज़ैब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको एक न्यू स्टाइल के साथ ग्लास वन बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने पिक्सलैब को ओपन करना है, थ्री डॉट पे जाना है और यूज़ एमज फ्राम गैलरी आपने यहाँ से लेनी है पिक। ठीक है, कोई भी आप पिक फ्रेंड ले सकते हैं, जैसा कि मेरी यहाँ पर पड़ी होगी पिक्सार्ट वाले फोल्डर में, मैं वहाँ से पिक ले लूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने पिक ले ली है। अब आपने यहाँ पे नेम टाइप करना है, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, जैसा कि मैं नेम लिखूँगा शायला। इसके अलावा आपने करना कि आपने फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है, इस पे फ़ॉन्ट्स आपने लगा देना है, कोई भी आपने फ़ॉन्ट्स लगा लेना है। ठीक है, ये वाला मैंने लगा लिया, जिसमें देखने दरमियान में मैंगो से बने हुए हैं, तो ये मैंने लगा लिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको आपने अल्ट्रा में सेव कर लेना है। अल्ट्रा में सेव करने के बाद फ्रेंड आपने करना कि आपने पीएस टच को ओपन करना है और यहाँ प्लस पे आना है। प्लस पे आने के बाद आपने यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी पे आना है और यहाँ से आपने पिक्सार्ट वाला फोल्डर ढूंढ लेना है, क्योंकि हमारी जो पिक है पिक्सार्ट वाले फोल्डर में, तो हम पिक्सार्ट वाले फोल्डर से पिक ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड पिक मैंने ले ली है। अब आपने करना क्या, आपने यहाँ से प्लस पे फिर क्लिक कर देनी है। प्लस पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ से आपने फोटो लेयर पे जाना है। ठीक है, अब आपने करना कि आपने पिक्सल लैब वाला फोल्डर ढूंढना है, क्योंकि हमने नेम पिक्सल लैब वाले फोल्डर में फ्रेंड ऐड किया है, तो नेम भी मैंने ऐड कर लिया है। अब आपने करना क्या, आपने फ्रेंड इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ पे आके दो डुप्लीकेट कॉपी, टोटल तीन लेयर, हमने तीन लेयर पर काम करना है। अब आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और एफ एक्स में जाना है और यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन में जाना है। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस एरो को पकड़ कर यहाँ पे ले आना है। ठीक है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। अब आपने करना कि आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद इधर आना है और इसको आपने यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने सेकंड लेयर पर आना है, एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आना है। ठीक है, ड्रॉप शेडो में आने के बाद आपने यहाँ से इसका एंगल जो है ना, ये 70 पर रखना है, 70 पे, और जो ब्लर है ये आपने 5 पे रखना है और जो डिस्टेंस है ये 8 पे रखनी है। ठीक है, और अब आपने करना क्या, इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने लास्ट वाली लेयर पे आना है और आपने करना कि आपने यहाँ से बेवल में आ जाना है। ठीक है, बेवल में आने के बाद आपने 45 ब्लर रखना है, कलर ब्लैक कर लेना है और जो डिस्टेंस है ना ये भी आपने 45 रखनी है तकरीबन। अब आपने करना क्या है, आपने इस लेयर को सिलेक्ट करके फिर एफ एक्स में जाना है, इस पे 6-7 दफ़ा आपने बेवल लगाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया और 5 दफ़ा हो गया, 6 दफ़ा हो गया और यहाँ 7 दफ़ा हो गया। 7 दफ़ा मैंने लगाया, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब आपने फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट पिक्सल कर लिया। अब आपने फिर इस लेयर को इसी वाले ऑप्शन में आना। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफार्म वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, और एक्सपेंड पे आपने आना है। ठीक है, इस एक्सपेंड वाले ऑप्शन में आना है, इसको यहाँ पर माइनस करते जाना है। ठीक है, जितना माइनस करते उतना ब्रेक में काम होता जाएगा। ठीक है, आपने तकरीबन यहाँ तक ले आना है, इसको -14 पॉइंट तक इसको ले आना है। ठीक है, और ओके कर देना है। और ये जो दरमियान में लाइन सी लगी, आपने फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे टेंट में आ जाना है। ठीक है, टेंट में कोई भी कलर आपने रख लेना है यहाँ पे, जैसा कि मैं ये वाला कलर रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रख लूँगा ये वाला, कोई भी कलर रख लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर ये वाला मैंने रख लिया। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट किए रखना है, आपने फिर एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने फोटो में आ जाना है। फोटो में आने के बाद आपने यहाँ से टीवी मॉनिटरिंग इस पे लगा देना है। ठीक है, एक दफ़ा हो गया और दो दफ़ा हो गया, इसको फॉलो कर देना 100 पे, दो दफ़ा टीवी मॉनिटरिंग लगा देना और यहाँ से अब आपने आना पिक्सल यहाँ से डी सेलेक्ट कर देना है। पिक्सल डी सेलेक्ट कर दिया, अब आपने फर्स्ट लेयर पर आना है, एफ एक्स में जाना है और यहाँ से आपने करना कि आपने हमने लगानी है स्ट्रोक, बेसिक में जाना है और यहाँ से आपने आना है ग्लो में। ठीक है, फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके आपने ग्लो में आना है और यहाँ पे 0.6
ब्लर और कलर यहाँ पे इसका वाइट कर लेना है। अब आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, ठीक है, एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है। अब आपने सेकंड लेयर पे आना है, ठीक है, सेकंड लेयर पे आने के बाद आपने फ्रेंड इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। अब आपने ना लास्ट लेयर पे और इसकी भी आपने डुप्लीकेट कॉपी करनी है, लेकिन जो लास्ट वाली लेयर है ना इसका ब्लेंडर मोड यहाँ से ओवरले कर देना है, ठीक है, ब्लेंडर मोड ओवरले कर देना है। और जो ऊपर वाली लेयर है ना इसका ब्लेंडर मोड नॉर्मल ही रहने देना है। यहाँ पे आप ग्लास फ्रंट देख सकते हैं, आपका फुल रेडी है ग्लास फ्रंट, ठीक है। आपने इस डन पे क्लिक कर देना है और इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के लिए आगे शेयर का ऑप्शन आएगा, सेव टू गैलरी, यहाँ पे आपने शेयर पे क्लिक करना है, आगे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा। तो कुछ भाइयों को पता ही नहीं होता सेव करने का, आपने पीएनजी पे क्लिक करना, पहले आपने पिक पे क्लिक करनी है, फिर आपने ओके पे करना है, तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का हमारा यही था ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।